एसएससी जीडी एडमिट कार्ड, यानी दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कल नाइट के अंदर आप देख सकते हैं, कल शाम के अंदर एसएससी के द्वारा जो जीडी कांस्टेबल का एग्जाम करवाया गया था उनका अपडेट निकल गया, यानी एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड कर सकते हैं। अब की बार आपको सीआरपीएफ की वेबसाइट लगाना ही है, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लगाना है आपको, रोल नंबर लगाना है, डेट ऑफ बर्थ लगाना है और कैप्चा लगा के लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल फिजिकल एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। एसएससी कांस्टेबल जीडी फिजिकल ट्रेडमैन जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कांस्टेबल जीडी में एक सेंट्रल रिजर्व फोर्स द्वारा जारी किया गया है, जिसने उम्मीदवारों लिखित परीक्षा में सफल हुए वो फिजिकल का एडमिट कार्ड देख सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट crpf.gov.in के ऊपर आपको विजिट करना है। अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ करना होगा और उम्मीदवारों को फोटो आईडी साथ में परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचना होगा। यह आपका फिजिकल टेस्ट अगस्त और सितंबर में रखा गया है और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जारी कर दिया गया है। इसके लिए पीईटी और पीएसटी टेस्ट यानी सीआरपीएफ करेगा। और यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में आपको दौड़ होगी। आवेदन के लिए जो पुरुष है उनके लिए 5 किलोमीटर और 24 मिनट, महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट, जो लद्दाख के क्षेत्रों में आते हैं उनके लिए 1 मील 6.5 और महिलाओं के लिए 800 मीटर और 4 मिनट। उसके बाद में अगर आप फिजिकल टेस्ट पीएसटी है उनके लिए जो आपकी जो हाइट है 170, ओबीसी एससीएसटी, और उसके बाद में आपकी जो महिलाओं के लिए 157 है। तो दोस्तों ये जो अपडेट लेकर आए हैं, वीडियो अच्छा लाइक करें, शेयर जरूर करें। जैसे जैसे नए अपडेट मिलता है उनकी हम बात चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, नए अपडेट में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।